हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अग्निपथ के विरोध के बीच राजनाथ सिंह की युवाओं से अपील, जल्द शुरू होगी बहाली, लाभ उठाओ। नरेंद्र मोदी सरकार ने मंगलवार को सेना में बहाली के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा की थी। देश के कई राज्यों में इसका जमकर विरोध हो रहा है। बिहार और उत्तर प्रदेश में इसका सबसे अधिक विरोध देखने को मिल रहा है। इस बहाली योजना के खिलाफ प्रदर्शन आज भी जारी है। आंदोलनकारियों ने इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है। सरकार इसके लिए फिलहाल तैयार नहीं दिख रही है। हालांकि कल एक संशोधन जरूर किया गया है। इस साल के लिए अधिकतम उम्र की सीमा को 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दिया गया है। आपको बता दें कि कई राजनीतिक दलों ने भी इस स्कीम को वापस लेने की मांग उठाई है। राजनाथ सिंह ने कहा कि अग्निवीर योजना युवाओं को एक बड़ा मौका दे। पिछले 2 सालों में कोरोना के चलते युवाओं को भर्ती का मौका नहीं मिला था, इसलिए पीएम मोदी के आदेश पर सरकार ने 2 साल की आयु सीमा में छूट दी है। मैं कहना चाहता हूं कि कुछ ही समय में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। सभी युवाओं से अपील है कि वे इसके लिए तैयारी करें और पूरा लाभ उठाएं। तेलंगाना में एनओसीआई के कार्यकर्ताओं ने भी अग्निपथ योजना का विरोध किया। इस दौरान सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब एनएसयूआई के छात्रों ने ट्रेनों पर पथराव किया। अग्निपथ भर्ती योजना के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने बिहार के लखमीनिया रेलवे स्टेशन पर जमकर तोड़फोड़, रेलवे ट्रैक को भी जाम कर दिया। आर्मी की तैयारी कर रहे बोकारो के युवाओं का गुस्सा शुक्रवार की सुबह फूट पड़ा। करीब 8:30 बजे जिले के विभिन्न हिस्से में तैयारी कर रहे युवा बोकारो रेलवे स्टेशन के समीप पहुंच गए, जिसके बाद प्रदर्शन करते हुए युवाओं की भीड़ उग्र हो गई और रेलवे पटरी के समीप पहुंचकर रेल को रोकने का प्रयास किया गया। तभी जीआरपी के तैनात जवानों ने उन्हें पटरी के समीप रोक लिया। केंद्र की अग्निपथ भर्ती योजना के विरोध में उत्तर प्रदेश के बालिया रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार सुबह भीड़ ने ट्रेन में तोड़फोड़ की। भीड़ को तितर बितर करने के लिए थाने पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। बलिया की डीएम सौम्या अग्रवाल ने संवाददाताओं से कहा कि सुबह से ही स्टेशन पर बलों को तैनात कर दिया गया है। कुछ गुंडे वहां पहुंचे लेकिन उन्हें ज्यादा नुकसान करने से रोक दिया गया। उन्होंने पथराव का प्रयास किया, कार्रवाई की जा रही है। डिगवाडी स्टेडियम में सेना की बहाली की तैयारी के लिए अभ्यास करने वाले युवकों ने सुबह से अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन किया, रोड पर टायर जलाया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी, जिसके कारण काफी देर तक रोड जाम रहा। जागरूक टीवी के लिए नई दिल्ली से खास रिपोर्ट।